देवरिया में सलेमपुर ओवरब्रिज के पास ट्रक की टक्कर से एक शिक्षिका की मौत हो गई। शिक्षिका का नाम निर्मला बताया जा रहा है। शिक्षिका देवरिया के मघारा की रहने वाली है और परसिया चंदोर जूनियर स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी। शिक्षिका किसी जरूरी काम से सलेमपुर आई थी और सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गई, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवा सौरभ चौधरी ने 18वीं एशियाई खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण दिलाते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में बाजी मारी है। 16 साल का चौधरी क्वालिफाइंग दौर में शीर्ष पर रहा था। उन्होंने खेलों का रिकॉर्ड स्कोर 240.7 बनाते हुए जापान के तोमोयुकी मत्सुदा को पछाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस। एक सराफा व्यवसायी के यहाँ काम कर रहे कर्मचारी को सोना चोरी करने के आरोप में फैजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मचारी अशोक सोनी के पास से 70 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली नगर के चौक में जिस सराफा व्यवसायी के यहाँ गिरफ्तार युवक काम कर रहा था, ना तो इसका पुलिस वेरिफिकेशन था और ना ही सराफा व्यवसायी के यहाँ CCTV कैमरे लगे थे, जिसके कारण आए दिन सोना चोरी हो रहा था, लेकिन व्यवसायी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। फिलहाल पुलिस इस सफलता को बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। फैसाबाद से संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। पेंशन से जुड़ी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर RBI के कर्मचारी 4 और 5 सितंबर को सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। रिजर्व बैंक के अधिकारी और कर्मचारी यूनियन के संयुक्त मंच का कहना है कि उसके सदस्य पेंशन से संबंधित लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को लेकर 4 और 5 सितंबर को सामूहिक रूप से अवकाश लेंगे। मंच ने कहा कि उनके सदस्य RBI दफ्तर के सामने मौन प्रदर्शन करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के रुख को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारी लंबा इंतजार करने के बाद धैर्य खो रहे हैं। अब उनके पास 2 दिन की हड़ताल के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसके तहत हम 4 और 5 सितंबर को सामूहिक रूप से 2 दिन का आकस्मिक अवकाश लेंगे। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना कोई न्योता मिले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज के घर गए थे। अटल जी भी शांति का संदेश लेकर 1999 में बस से लाहौर गए थे। उन्होंने कहा कि जब वह इमरान खान के समारोह में पहली कतार में बैठे हुए थे, तो उसी समय पाक सेना प्रमुख उन्हें मिलने आए और आते ही उन्होंने करतारपुर के रास्ते की बात की और कहा कि इसके रास्ते को खोलने की वह पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करना संभव भी है। सिद्धू ने कहा कि मैं वहां कोई राजनीति करने नहीं गया था। सेना प्रमुख ने बातों बातों में कहा कि वह भारत के साथ शांति चाहते हैं। उन्होंने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर बधाई भी दी और वह पूरी तरह भावुक हो उठे और उन्होंने गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि वहां जाने से भारत और पाक के बीच शांति की संभावनाएं बड़ी हैं। मंत्री ने कहा कि 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हजारों लोगों ने उनको जितना प्यार दिया, वह उनके लिए बड़े सम्मान वाली बात है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य द्वारा राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख
असुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा, जब अयोध्या मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में उनके पास इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनका ये बयान बुरा ही नहीं, बेकार भी है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयान देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नेताओं को इस मामले में बयानबाजी से बचना चाहिए। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पाक सेना प्रमुख बाजवा से गले मिलने पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की सफाई पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू ने बाजवा को गले लगाकर शहीदों का अपमान किया है।